तो कहना कि शान परेशान नज़र आ रहा है, तो रज्जो किस तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रही है? रज्जो की बहुत मदद की है शान ने और अभी तक करते आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली रज्जो स्टार्ट्स टू फील के उन्हें कुछ करना चाहिए शान के लिए। तो वो पूछ रही है कि आप शान से परेशान क्यों बन गए हो फिर से, क्या हुआ? तो ही इज़ लाइक, ये भी लाइन रजनी लगता है सिखा कर गई है। सो इट्स सम वॉट ऑफ एन इमोशनल थिंग जहाँ पर रजनी इज़ ट्राइंग टू हेल्प शान फ्रॉम हिज प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने जस्ट अभी अभी मैथ्यू को देखा है, सो ही इज़ ऑब्वियसली वेरी वर्क्ड अप। तो क्या रज्जो और शान में थोड़ी बहुत फीलिंग्स नज़र आएगी? आई थिंक रज्जो की तरफ से डेफिनेटली है, क्योंकि रज्जो को कभी इतना प्यार से किसी ने रखा ही नहीं, कभी इतनी प्यार से बात नहीं किया, कभी उसका ख्याल नहीं रखा गया। सो डेफिनेटली रज्जो इज़ फीलिंग और रादर फॉलिंग फॉर शान, एंड शान खुश है रज्जो को देखकर, बिकॉज उन्हें ऐसे लग रहा है कि वाओ, सच अ ह्यूमन फील टू रजनी, यू नो। तो कहीं ना कहीं वो रजनी को ही ढूंढ रहे हैं रज्जो मूवी। वैसे मैथ्यू वापस आने वाले करके उनका मतलब इरादा है कि वो रजनी को डिस्ट्रॉय करे, कभी उनके हाथों रज्जो ना लग जाए। कुछ भी हो सकता है उसी के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि रज्जो और रजनी अलग अलग है। सो इसी में कन्फ्यूजन में किसे डैमेज होता है, क्या स्टोरी आगे बढ़ती है और किस तरीके से शो ख़त्म होता है, यू नो, टुवर्ड्स द एंड हमने सस्पेंस रखा है। Okay, thank you. Thank you.